जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी चन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी चन बल्लभ जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा नील माधव राधा नील माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय जगन्नाथ
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रमैया जय बलदेवा जय सुभद्रमै जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह नितय गौर हरि बोल हरिबोल नितय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय शिवाना नील मदन की जय समस्त भक्त बिंद की जय। आज फिर से हमें इस सत्र में आमंत्रण करने के लिए इस ग्रेस श्री श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी का मैं बहुत बहुत अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही साथ जितने भी हमारे भक्तगण यहाँ पर इस सत्र में जुड़े हुए हैं उन सभी के चरणों पर दंडवत प्रणाम अर्पित करके उन सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि राधा नील माधव और श्री श्री प्रभुपाद जी और श्री गुरुदेव के चरणों पर मेरे लिए रिक्वेस्ट करें कि मैं उनके द्वारा जो गुरु परंपरा से आई हुई वाणी है उसको आप सभी के सामने यथा रूप से उसको प्रस्तुत कर सकूं, उसके अंदर में कोई डाइल्यूशन नहीं हो। इसी के साथ आज का हम लोग सत्र आरंभ करने के लिए आप सबसे आदेश चाहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले सत्रों में देखा था कि हम लोग भगवान श्री राम प्रभु श्री राम के गुणों के बारे में चर्चा कर रहे थे और उन गुणों के बारे में चर्चा करते करते हम लोगों ने काफी मतलब कई कई 8 या 9 गुणों की चर्चा की थी और आज श्री गुरुदेव की कृपा से हम लोग इसके आगे के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि इन गुणों को यदि हम अपने व्यवहारिक जीवन में इम्प्लीमेंट करने की प्रयास करें इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करें उसको अपने व्यवहारिक जीवन में लाने का कोशिश करें तो हम देखेंगे कि हमारे व्यवहार में कितना परिवर्तन होता है और वो व्यवहार जो है हमें सहनशीलता की कितनी शक्ति मिलती है। तो इन्हीं सब विषयों को ध्यान में रखते हुए पहले हम मंगलाचरण करेंगे और मंगलाचरण करने के बाद में आज के सत्र को हम आरंभ करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरो श्रीयुत पद कमलं श्री गुरु न वैश्वांस च श्री रूपं साग्वजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान वितांस च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
पार्वते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा निर्माता की श्री गुरुदेव की जय। गुरुदेव हरे हरे बोल। तो इसके पहले के सत्रों में हमने भगवान श्री राम प्रभु श्री राम के कुछ कुछ गुणों के बारे में चर्चा किया गया था, जिनमें से कौन कौन से गुण हम लोगों ने चर्चा किए थे। तो गुणवान किसको बोलते हैं, वीर्यवान किसको बोलते हैं, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवाक्यो, दृढ़ता और चरित्र, इन सब गुणों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज इसके बाद में हम लोग और इसके बारे में चर्चा करेंगे दूसरे गुरुओं के बारे में, जो कि वाल्मीकि जी नारद जी से पूछ रहे हैं वाल्मीकि रामायण में वर्स नंबर 1.1.3। क्या बोल रहे हैं? चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु कोहिता विद्वान कह कह समर्थः च कह च एक प्रिय दर्शन। अर्थात कि आप कृपया हमें ये बताइए, नारद मुनि से वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं कि आप कृपया ये हमें बताइए कि किसके अंदर में हम देखें कि चरित्र किसको बोलते हैं, और इसके अलावा ये भी हमें बताइए कि सर्वभूतेषु किसको बोलते हैं। सर्वभूतेषु को हिता, विद्वान और समर्थ और प्रिय दर्शन है, तो ये क्या है और इनके बारे में आप बताइए जरा सा। और ये भी बताइए कि प्रभु श्री राम ने अपने चरित्र से इन गुणों को हमारे सामने कैसे उजागर किया। चरित्र के बारे में हम लोगों ने इसके पहले चर्चा किया था, अब आज हम लोग शुरू करते हैं सर्वभूतेषु को हिता। सर्वभूतेषु को हिता मतलब क्या होता है? One who is thinking of the welfare of other living in all the living entities, अर्थात जो कि दूसरे जीवों के लिए भलाई के लिए, जो दूसरे जीवों के भलाई के बारे में सोचता है, अर्थात जो सोचता ही है। सर्वभूतेषु को हिता अर्थात जो दूसरों के भलाई के, दूसरे जीवों के भलाई के बारे में सोचता है। हम लोग अपने भौतिक जिंदगी में देखते हैं कि कुछ लोग जो है काफी दान पुण्य करते हैं, और हमें लगता है कि ये जो दान पुण्य चल रहा है ये क्या है, सर्वभूतेषु के कैटेगरी में आता है, अर्थात ये दूसरों के जनहित के कल्याण के लिए ये किया जा रहा है। आप जस्ट इमेजिन करिए कि हमारे देश के अंदर में, और सिर्फ अपने देश के अंदर ही नहीं पूरे दुनिया में, कई बड़े बड़े लोग जो कि बिलियनियर मिलियनियर है, वो लोग क्या करते हैं, कुछ हॉस्पिटल खोल देते हैं, कुछ लोग स्कूल खोल देते हैं, कुछ लोग कुछ ओल्ड केयर होम खोल देते हैं, और सब सोचते ऐसा है कि ये किसी दूसरे जीव का कितना भला करना चाहते हैं जिसकी वजह से ये सब कार्यकलाप हो रहा है। किंतु आप यदि इसको और क्रिटिकली एनालाइज करें तो हम ये पाएंगे कि जो ये ऐसा कर रहे हैं उसके पीछे भी उनका स्वार्थ छिपा हुआ है। वो ये वेलफेयर दूसरे जीवों के प्रति इसलिए कर रहे हैं ताकि एक्चुअली उनका वेलफेयर हो, वो दूसरे का भला इसलिए कर रहे हैं, दान कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं ताकि उनका भला हो। अर्थात हम लोग क्या है, चूंकि हम लोग बिल्कुल भौतिक है और भौतिकता के
रोग से जड़े हुए हैं, इसकी वजह से हम इस वेलफेयर में भी अपने स्वार्थ को देखते हैं। हम पहले ये देखते हैं कि मेरा बैंक बैलेंस पहले पूर्ण रूप से बिल्कुल सेफ हो जाए, एनफ हो जाए, और जब मेरा बैंक बैलेंस बिल्कुल सही हो जाएगा तो उसमें से एक छोटी सी मात्रा जो है हम किसी दान पुण्य में लगा देंगे, जिससे कि हमें और भी फायदा मिले। तो ये जो दान पुण्य है ये किस मोटिव से ड्रिवन है? ये है सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से, अपने स्वार्थ के वजह से। तो ये सर्वभूतेषु नहीं होता है। ये सर्वभूतेषु यदि समझना है तो हमें समझना ये समझना होगा, सर्वभूतेषु एक भगवान के मुख से जो एक भगवान ने अर्जुन को समझाया है सर्वभूतेषु का मतलब। तो हम श्रीमद् भगवद गीता के शरण में ले जाते हैं और वहां पे जाकर इस सर्वभूतेषु का तात्पर्य समझने का कोशिश करते हैं कि सर्वभूतेषु किसको कहते हैं। 5.29 जहां पर भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छति ऋक्षति। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं? ज्ञात्वा माम, अर्थात ज्ञात्वा जो ये समझता है, माम मुझको क्या समझता है, प्रश्न उठता है कि क्या समझना चाहिए। तो भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को, पहला भोक्ता राम, जो जीव ये समझता है कि मैं भोक्ता राम हूं, अर्थात मैं जो भी यहां पर चल रहा है उसका मैं उसका उसको एंजॉय करने के लिए, उसको आनंद देने का केवल जो गुण है वो मेरे पास में है, वो जो क्वालिफिकेशन जो अथॉरिटी है वो सिर्फ मेरे पास में है। और भोक्ता राम किसका? यज्ञ तपसाम, अर्थात जितने भी यज्ञ चल रहे हैं और तपस चल रहा है, जितना भी ऑस्टेरिटी चल रहा है और जो यज्ञ चल रहा है, इसका जो फल है उस फल का भोक्ता कौन है? माम, भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूं। और इसके बाद में क्या बोल रहे हैं? सर्वलोक महेश्वरम, और जो ये समझता है कि मैं सारे जो जगत है उसका मैं मालिक हूं, अर्थात जितने भी यज्ञ चल रहे हैं, जितने भी तप चल रहे हैं, उस यज्ञ और तप का जो फल है उस फल को भोगने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और इसके साथ में यदि कोई यह समझ ले कि भगवान कौन है, कि सर्वलोक महेश्वरम, जो सारे दुनिया है, सारे जो जगत है उसके महाईश्वर है। और इसके बाद में क्या भगवान समझाए? सुहृदम सर्वभूतानाम, वही देखिए जो पहले सर्वभूतानाम अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वही यहाँ पे भी आ गया, सुहृदम सर्वभूतानाम। और जो जीव सर्वभूतानाम, सभी जो लिविंग बींग, जो जितने भी जो जीव है, चाहे वो चल है चाहे वो अचल है, जितने भी जीव है उसके साथ में वो यदि दोस्ती का एक व्यवहार करता है तो उसे क्या मिलता है? ऋक्षति, उसको मिलता है ऋक्षति क्या? शांति, तो उसे शांति मिलती है, उसको एक हृदय में शांति मिलती है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं? सर्वभोक्ता नाम, कि वह जीव जो सभी के साथ में एक सुहृदम, एक दोस्तों जैसा व्यवहार करता है, तो वही सर्वभूता नाम हो सकता है। अर्थात सर्वभूता नाम का अर्थ है कि जो दूसरों के हित के बारे में सोचे और उसके साथ में वो एकदम दोस्ती जैसा व्यवहार करे, तभी वो दूसरे के हित के बारे में सोच सकता है। हम लोग क्या एक किसी दुश्मन के हित के बारे में सोच सकते हैं? जो आज मेरा एक दुश्मन है,
उसको हम ये सोचेंगे कि इसका कोई भलाई हो जाए, कभी भी नहीं सोच सकते हैं। इसीलिए जब तक हम सारे जीव को ये नहीं समझ सकते हैं कि वो एक दोस्त के जैसा व्यवहार करे, तब तक हम सुहृदम सर्वभूतानां नहीं कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण, आप जस्ट चिंता करिए कि कितने सुहृदम सर्वभूतानां है। भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। ये परमात्मा जो आत्मा के साथ में इस शरीर में विराजमान है, और ये शरीर कैसा है, ये मल मूत्र हाड़ मांस मज्जा से भरा पड़ा है, गंदगी से भरा पड़ा है। और इस गंदी जगह में भी भगवान इस आत्मा की भलाई के लिए सब कुछ टॉलरेट करके इस जीव के साथ में परमात्मा के रूप में विराजमान है। और सिर्फ इसी जन्म में नहीं, तब तक विराजमान है जब तक कि इस जीव की मुक्ति नहीं हो जाती है। अर्थात ये जीव जितनी बार जन्म लेता है, उतनी बार करोड़ों करोड़ों योनियों में ये जीव के साथ में परमात्मा जो है स्थित रहते हैं। और इसमें परमात्मा का कोई अपना खुद का स्वार्थ है, कोई भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान का सिर्फ यही एक स्वार्थ है कि इस आत्मा का भला कैसे हो जाए। यही अर्थ है सर्वभूतेषु का, कि अपने किसी का भला करने के लिए सोचिए, लेकिन उसका भला इसलिए नहीं करना है कि उसमें मेरा भला हो। और ये तभी संभव है जब हम ये देखें कि सारे जीव जो है उनके साथ में एक एक एक, एक दोस्तों जैसा हम व्यवहार करें। अब इसी गुण को परिपेक्ष में दिमाग में रखते हुए हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि प्रभु श्री राम ने इस गुण को हम लोगों के सामने कैसे दर्शाया। तो हम लोग चलते हैं सबके साथ में रामायण की लीला में। जरा विचार करिए कि प्रभु श्री राम के पास में क्या इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो लंका जाए अकेले ही, किसी की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वो प्रभु है, कुछ भी कर सकते हैं, और जाके रावण का वध करके सीता मैया को साथ में ले आते, बिल्कुल संभव था। या फिर खुद तो जाने की बात ही छोड़ दीजिए, क्या प्रभु राम अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को ये नहीं बोल सकते थे कि हे हनुमान, आप तो एक बार लंका गए और लंका जाकर वहां पर आपने लंका को तो ध्वंस कर दिया, सोने की लंका को रात में मिला दिया, सीता मैया के दर्शन भी किए, और जितने भी वहां पे दैत्यगण थे असुर थे सबको अपनी शक्ति के बारे में आपने एक बार दिखा भी दिया, तो एक काम क्यों नहीं करते हैं, आप जाइए सीता मैया को लेके चले आइए। क्या प्रभु श्री राम ये नहीं कर सकते थे, ये भी कर सकते थे। तो क्या आवश्यकता थी प्रभु राम को कि खुद सब बानर सेना को लेके जाए और युद्ध स्थल पर रावण की सेना के साथ में वहां पर युद्ध करे, कोई आवश्यकता नहीं थी प्रभु राम के लिए, फिर भी प्रभु राम ने ऐसा किया। सोचिए, विचार करने की बात है कि क्यों ऐसा किया, क्यों, क्योंकि प्रभु राम जो है सर्वभूतेषु है। कैसे सर्वभूतेषु है, क्योंकि प्रभु राम को पता था कि रावण ने वहां पर अपने कितने सारे जीव को बंदी बना के रखा है और कितने सारे जीव वहां पर सफर कर रहे हैं, वहां पर कष्ट झेल रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, और उन सभी जीवों को उद्धार करना है। और यदि हनुमान जी जाते हैं, या फिर खुद ही मैं जाता हूँ और सीता मैया को लेके चला आता हूँ, या फिर यदि हनुमान जी को मैं भेजता हूँ और हनुमान जी लेके सीता मैया को चले आते हैं, तो युद्ध नहीं होगा, और जब युद्ध नहीं होगा तो फिर कैसे हमारे जो भी वहां पर रावण ने इतने सारे जीवों को वहां पर सफरिंग के लिए, कष्ट झेलने के लिए वहां पर बंदी बना के रखा है, उनका उद्धार कैसे होगा।
भगवान श्री राम ने अपने बारे में नहीं सोचा, प्रभु श्री राम ने एक शॉर्टकट रूट नहीं लिया कि चलो भाई ऐसा कर देते हैं तो हो ही जाएगा। उन्होंने सब जीवों की भले के लिए युद्ध करने का निश्चय किया, और अकेले युद्ध नहीं, सारे बानर सेना को साथ में लेकर युद्ध करने का कोशिश किया। अब यह प्रश्न उठता है कि प्रभु राम क्या इतने मतलब क्या स्वार्थी थे कि उन्होंने बानर सेना को युद्ध में ढकेल दिया, और बानर सेना को युद्ध में ढकेलने के बाद में कई सेना की मृत्यु हो गई। हमें तो पता है ना, सभी को पता है कि जब युद्ध चलता है और दो सेना आपस में भिड़ते हैं तो कुछ क्षति अपोजिशन की होती है और कुछ क्षति खुद भी होती है, तो बानर सेना का भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो प्रभु राम के भी सेना का कुछ तो नुकसान हुआ ही था। तो क्या प्रभु राम इतने स्वार्थी थे? इस प्रश्न का उत्तर भी वाल्मीकि रामायण में बहुत ही अच्छी तरह से दिया गया है कि जब युद्ध खत्म हुआ, युद्ध के दौरान प्रभु राम ने अपने बानर सेना को अंगद सुग्रीव को ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि हमारे तरफ से जो भी सेना नायक है या फिर सेना सैनिक है, उनकी यदि मृत्यु होती है तो उनके शरीर को आप संभाल कर रखिएगा। और जब युद्ध खत्म हुआ तो ब्रह्मा जी वहां पर उपस्थित हुए और प्रभु श्री राम से उन्होंने पूछा कि आपको कुछ वरदान चाहिए तो बताइए। प्रभु श्री राम ने बोला कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप वरदान देने के लिए आए हैं तो मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर जितनी सेना अपने शरीर को छोड़ दिया है, जिनकी जो मृत्यु जो शहीद हुए हैं, आप उनके प्राणों को वापस कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, अभी लीजिए। तो सुग्रीव के साथ में गए, वहां पर जितने भी वहां पर सैनिक थे सभी को ब्रह्मा जी ने उनके प्राण जो है वापस कर दिए। और जब वापस आए ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी ने बोला नहीं नहीं अभी का खत्म नहीं हुआ। प्रभु राम ने बोला कि अभी अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी एक काम करते हैं कि विभीषण को बोला कि हे विभीषण, आपके भी सेना में जितने भी दैत्य जो कि रावण के साथ में युद्ध में लड़ रहे थे, जो सैनिक थे, आप उनको भी लेकर आइए ताकि उनके भी प्राणों की रक्षा की जा सके, उनके भी प्राणों को वापस कर दिया जाए। विभीषण बड़े संकोच में आ गए, उन्होंने प्रभु श्री राम से हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु रावण ने ये इंस्ट्रक्शन दिया था, ये सभी को ये बताया था कि जितने भी सैनिक हमारे साइड से लड़ रहे हैं, हमारे तरफ से लड़ रहे हैं, यदि वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनके शरीर को तुरंत समुद्र में फेंक देना, यहां पर रखने की आवश्यकता नहीं है। और क्यों ऐसा? क्योंकि रावण को ये भय था कि हमारे तरफ से तो कई सैनिकों का वध होगा, और जब सैनिक की मात्रा जो मृत्यु हुई है, ऐसे सैनिकों की मात्रा जब प्रचुर हो जाएगी तो जो जीवित सैनिक है वो भी हतोत्साहित हो जाएंगे और वे लड़ने से डरने लगेंगे, क्योंकि उनको भी पता चलेगा कि उनकी भी गति यही होने वाली है। इसलिए वे बिल्कुल ही नहीं, रावण ने बिल्कुल एक बोल के रखा था कि जितने भी लोग हैं इनको तुरंत ही समुद्र में फेंक दिया जाए। और इसी वजह से चूंकि उनके शरीर नहीं मिल पाए, इस वजह से जितने भी दैत्य सैनिक थे उनकी प्राण वापस नहीं हो पाया। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर भी प्रभु श्री राम ने इस लीला से यह दर्शाया कि वे सिर्फ अपने ही सैनिकों के कल्याण के बारे में नहीं सोच रहे थे, वे रावण के भी सैनिकों के कल्याण के बारे में सोच रहे थे। और यही होता है सर्वभूताना, अर्थात हमारे अंदर भी हम भगवान से यदि प्रे करें, भगवान के सामने विनम्र निवेदन करें कि हम भी हमारे अंदर भी सर्वभूता नाम के कुछ गुण जो है वो हमारे अंदर भी यदि आए और हम भी इसी तरह से किसी दूसरे का भला करने की कोशिश करें, और भला ऐसे करें कि उसमें अपने स्वार्थ को नहीं देखें, जो कि सही तात्पर्य होता है सर्वभूता नाम का।
अब हम लोग दूसरे गुण पे आते हैं, विद्वान। हम लोग अपने भौतिक जिंदगी में देखते हैं, अपने इनर सराउंडिंग आसपास में देखते हैं कि विद्वान किसको बोलते हैं। नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि जो MBBS, MD, PhD कर लिया या फिर बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो गया, जिसने अपने भौतिक सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से किया है और बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट ले आया है, उसको हम विद्वान मानते हैं। उसको हम मानते हैं कि ये बहुत ही लर्नेड पर्सनालिटी है, बहुत ही पढ़ा लिखा है। और लेकिन जो जिसने भौतिक स्कूली पढ़ाई को नहीं किया है, उसको हम सोचते हैं कि वो विद्वान नहीं है। तो विद्वान को समझने के लिए हम लोग एक चाणक्य पंडित का एक श्लोक से समझते हैं कि एज पर चाणक्य पंडित के अनुसार से विद्वान किसको बोलते हैं। और ये जो वर्ष है हमें श्रील प्रभुपाद जी को बहुत ही प्रिय है, और इन्होंने प्रभुपाद जी ने अपने कई लेक्चर में इस वर्ष को कोट किया है चाणक्य पंडित के। वर्ष नंबर नहीं पता है हमें, ये सिर्फ जो प्रभुपाद जी के पर्पट है उस पर्पट में से, किसी एक पर्पट में से ये श्लोक उठाया गया है, इसलिए वर्ष नंबर नहीं पता है चाणक्य पंडित का ये किस उससे है और इसका वर्ष नंबर क्या है। श्लोक ऐसा है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। तो श्लोक से ही ये बहुत क्लियर है कि मातृवत पर दारेशु, दूसरे की पत्नी को अपने माँ के समान समझना, मातृवत पर दारेशु, पर द्रव्येशु अर्थात दूसरे की लक्ष्मी कैसा समझना है, लोस्टवत एकदम वो कूड़े कचरे के समान है, उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। आत्मवत सर्वभूतेषु, और जो जितने भी जीव जंतु हैं, जीव है उनके प्रति वो आत्मवत व्यवहार करता है, उसको यह पश्यति स पंडित है, उसको हम पंडित बोलते हैं अर्थात विद्वान बोलते हैं। और इसके अलावा ट्रू नॉलेज, असली बुद्धि, असली ज्ञान क्या है, असली किसको हम विद्वान बोलेंगे, किसको हम पंडित बोलेंगे, ये फिर से इसका सूत्र हम खोजते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, क्योंकि जो भी डेफिनेशन है, जो भी परिभाषा है, वो हमें श्रीमद् भगवद गीता से ही मिलता है। और इसी सूत्र को हम लोग फिर से अप्लाई करते हैं कि किस तरह से ये सूत्र हमें परिभाषा देता है, डिफाइन करता है। तो ये हम लोग वर्स नंबर 5.18 देखते हैं, भगवद गीता 5.18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शनः दर्शिनः। अर्थात ब्राह्मण कैसा होता है, विद्या विनय संपन्ने, जिसके पास में प्रचुर मात्रा में वेदों का ज्ञान हो, जिसके पास में भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का ज्ञान हो, और जो विनयशील हो, जो व्यवहार से बहुत ही विनय विनीत हो, उसको हम ब्राह्मण बोलते हैं। और गवि, गवि का अर्थ है गाय, हस्तिनी हाथी, सुनी मतलब कुत्ता, और इसके बाद स्वपाके अर्थात जो ऐसे जो कास्ट के लोग जो मांस भक्षी है, या फिर जो डॉग ईटर है, जो जो मतलब मांस का सेवन करते हैं,
जो निम्न स्तर के हैं, बाय बाय नेचर, बाय बाय क्वालिटी, जो निम्न क्वालिटी के हैं, इन सभी कैटेगरी को पंडित अर्थात जो पूर्ण ज्ञानी होता है, जो विद्वान होता है, वो क्या करता है? समदर्शिना, वो एक दृष्टि से देखता है। अर्थात जो ब्राह्मण है और जो बिल्कुल निम्न स्तर का है अपने एज पर द क्वालिटी, उन सभी को वो पंडित समदर्शन, वह सबको एक दृष्टि से देखता है। इसी को हम बोलते हैं असली विद्वान, जिसके जिसको ये नॉलेज होता है, जिसको ये ज्ञान होता है, उसको हम बोलते हैं असली विद्वान। असली विद्वान वो नहीं होता है जो कि बहुत सारे डिग्री ले लिया, बहुत सारे पढ़ लिया और बहुत ज्ञानी हो गया, असली विद्वान उसको नहीं बोलते। और जब जीव की ये स्थिति होती है कि वह ब्राह्मण हो या फिर गाय हो या फिर हाथी हो, कुत्ता हो, या फिर आउटकास्ट जो कि निम्न कास्ट के है, जो अगेन कास्ट जो है वो अपने कर्म से जो डिफाइंड है, उन सब को एक दृष्टि से देखते हैं, उनके अंदर में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, उसके अंदर में सबके अंदर में वो देखते हैं कि परमात्मा का निवास स्थान है, और वो उस शरीर को नहीं देखते हैं, उस शरीर पे उनकी कोई श्रद्धा नहीं है, वो देखते हैं उस शरीर के अंदर में जो परमात्मा है। और चूंकि वो शरीर के अंदर में परमात्मा देखते हैं, इसकी वजह से वो सम दृष्टि रख पाते हैं, और जो ऐसा कर पाते हैं वही असली विद्वान होता है। और जिसके अंदर में ये गुण होता है, वो यह समझ सकता है कि आज यदि किसी चीज से हमें तकलीफ है और कोई दूसरा भी है यदि सेम कंडीशन में है, तो उसको भी वही तकलीफ होगी, क्योंकि वो समदर्शिना है। वो ये समझ सकता है कि आज जिस तकलीफ से मैं गुजर रहा हूं, उसी तकलीफ से शायद दूसरा भी गुजरेगा यदि उस परिस्थिति में होगा। और जिस तरह से हम अपने को संभालने की कोशिश करते हैं किसी तकलीफ में, उसी तरह से फिर हम अपने हाथों को बढ़ा सकते हैं दूसरे की सहायता करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि वो इसी तरह से तकलीफ में होगा। इस पर्टिकुलर नेचर को हम देखते हैं कि प्रभु श्री राम ने किस तरह से अपने लीला में एग्जिबिट किया, किस तरह से इसको दर्शाया हम लोगों को। प्रभु श्री राम जब जंगल में आए, जंगल में आने के बाद में हमें सबको पता है कि सीता मैया का हरण हो गया, और उसके बाद में प्रभु श्री राम बन बन भटक रहे थे, और भटकने के बाद में उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई, और जब सुग्रीव से हुई तो सुग्रीव ने अपनी आप बीती जो है भगवान श्री राम को उन्होंने बताया। उन्होंने क्या बताया कि उनके पत्नी को, उनके राज्य को, उनके भ्राता बलि ने जबरदस्ती अपने कब्जे में कर लिया है, और इसकी वजह से मैं जंगल जंगल भटक रहा हूं और कंदमूल खाकर किसी तरह से अपनी जिंदगी को चला रहा हूं। इमीडिएटली प्रभु श्री राम को यह पता चला कि जिस तरह से मैं आज अपनी पत्नी के लिए परेशान हूं, अपनी सीता के लिए आज मैं भटक रहा हूं, और जिस तरह से मेरे पास राज्य नहीं है, और जिस तरह से मैं सफर कर रहा हूं आज, तो यह पक्का है कि इसी तरह से सुग्रीव भी कष्ट में है अपने राज्य और अपने पत्नी के चले जाने की वजह से। ये प्रभु श्री राम की भौतिक लीला थी। हमें सबको पता है कि प्रभु श्री राम को इस तरह का कोई भी कष्ट नहीं था, क्योंकि प्रभु श्री राम आत्मा राम है। परंतु यह लीला को दिखाने के लिए कि सुग्रीव, मैं तुम्हारे कष्ट को अच्छी तरह से समझ सकता हूं, क्यों? क्योंकि मैं भी उसी परिस्थिति से गुजर रहा हूं, और इसी वजह से सुग्रीव को भगवान श्री राम ने सहायता देने के लिए
एक क्षण भी नहीं सोचा और सहायता देने के लिए तैयार हो गए। यही होता है असली विद्वान। कुछ लेक्चर में एक चर्चा के दौरान वैष्णव सेवा प्रभु जी गुरु महाराज के बारे में बता रहे थे कि वैष्णव सेवा प्रभु जी और महाराज एक बार मुंबई में पहुंचे और मुंबई में पहुंचने के बाद में शायद उन्होंने एक टैक्सी लिया इस्कॉन जू मंदिर जाने के लिए, और जब गाड़ी में बैठे तो महाराज जो है गुरु महाराज जो है उन्होंने वाहन चालक से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा, उनके परिवार के बारे में पूछा। सब कुछ पूछने के बाद में जब महाराज और वैष्णव सेवा प्रभु गाड़ी से उतर रहे थे तो महाराज ने बोला कि इस वाहन चालक को कुछ लक्ष्मी दे देने के लिए। ये होता है असली विद्वान का कैटेगरी, को जो दूसरे के कष्ट को समझ सके, जो दूसरे के कष्ट को समझने की कोशिश करे। महाराज को कोई आवश्यकता नहीं थी, इनफैक्ट वैष्णव सेवा प्रभु जी बोल रहे थे कि वो खुद भी आश्चर्यचकित रह गए कि जिससे कोई न जान न पहचान, और वो महाराज बोल रहे हैं कि इसको लक्ष्मी दे देने के लिए। लेकिन महाराज को ये पता था कि ये जीव जो है कष्ट में है और इसके कष्ट का निवारण शायद ये लक्ष्मी कर सकता है, जिसकी वजह से महाराज ने एक सेकेंड का भी देर नहीं लगाया, जान पहचान ना होते हुए भी उसको लक्ष्मी दान देने का इंस्ट्रक्शन दिया। एक पर्टिकुलर लेक्चर में महाराज बोलते हैं वी शुड हैव एमिकेबल एंड वर्केबल रिलेशनशिप विद एवरीबॉडी, अर्थात हमारा एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण और आपस में कार्य करने के लिए एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध एक सभी के साथ में होना चाहिए। वी शुड हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद ऑल द लिविंग एंटिटीज, हमारा जो संबंध है सभी जीवों के साथ में बहुत ही अच्छा होना चाहिए। क्यों? महाराज आगे बोलते हैं कि बाय दिस रिलेशनशिप आवर टाइम विल बी सेव्ड, अर्थात मेरा समय, हम लोगों का सभी का समय बचेगा यदि हमारे सभी के साथ में संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण है। और यदि नहीं है तो क्या होगा? महाराज बताते हैं इफ वी स्टार्ट फाइटिंग तो हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे यदि सौहार्दपूर्ण नहीं है, एमिकेबल रिलेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में युद्ध करेंगे। और जब हम लोग एक दूसरे के साथ में युद्ध करना शुरू करते हैं तो महाराज बताते हैं कि हमारा जो मन है वो बिल्कुल घृणा से पूर्ण भर जाएगा, घृणित हो जाएगा। और जब घृणा हो जाएगी तब क्या होगा, ये हमारे अंदर में अशांत, हमारे हृदय के अंदर में अशांति फैलाएगा। हम सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे ही मन किसी के प्रति घृणित हो जाता है तुरंत वो सोचने लगता है कि इसका क्षति कैसे पहुंचाया जाए, इसकी किस तरह से हम क्षति पहुंचा सकते हैं, और वही उसी चक्कर में हमारी शांति खत्म हो जाती है। महाराज बताते हैं कि जब ऐसा होता है और हमारी शांति जब खत्म हो जाती है तो हम फिर किस परिस्थिति में फंस जाते हैं, देन वी कैन नॉट सिट एंड स्टडी श्रीमद् भागवत, हम लोग फिर भगवत चर्चा नहीं कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि ये जीव ने मेरे साथ में ये गड़बड़ किया, इस गड़बड़ के लिए हमें इस जीव के साथ में ऐसा व्यवहार करना है, हमें इसको ऐसा कष्ट देना है, और हम हर समय यही सोचते रहेंगे। हमारे पास में जितना भी समय है वो हम समय जो नुकसान करेंगे यही सोचने में, और इसकी वजह से हम श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम पे समय नहीं दे पाएंगे, अपना हम जप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, शांति नहीं है। तो इस शांति, इस विद्वान के परिपेक्ष में यदि हम देखते हैं तो हम ये समझते हैं अपने प्रभु श्री राम के लीला से कि श्री राम जो है वो पूर्ण विद्वान है,
क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु श्री राम ने सिर्फ अपना ही सिर्फ अपने ही प्रॉब्लम को नहीं समझा, प्रभु श्री राम ने दूसरों के प्रॉब्लम को आगे रखा, अपने दिक्कतों को पीछे कर दिया और दूसरों के दिक्कत को आगे करके उसके सलूशन को उसके उस परिस्थिति के अनुसार से प्रभु श्री राम ने उसके सलूशन को लाने की कोशिश की। तो इसलिए इस लीला से हम देख सकते हैं कि प्रभु श्री राम पूर्ण विद्वान है। इसके बाद में हम लोग आते हैं एक दूसरे गुण पे जिसको बोलते हैं समर्थ, जिसको वाल्मीकि जी नारद मुनि से पूछ रहे हैं कि समर्थ कौन है, अर्थात कि जिसके अंदर में कोई कार्य करने की पूर्ण क्षमता है। हमें देखते हैं कि आज हमारे देश में प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के पास में राज को अपने भारत को चलाने की उनकी क्षमता है और इसी क्षमता के तहत वो अलग अलग नियम कानून बनाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हम सब उस नियम कानून को यथावत फॉलो करें। इसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि किसी कारणवश जो भी नियम कानून जनता के लिए बनाए गए हैं वह फॉलो नहीं हो सकते हैं, अर्थात हमारे देश के जो निर्णायक है, जो लॉ मेकर है, जो लॉ बनाते हैं, उनके अंदर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे इन सब नियम कानूनों को फॉलो कराएं सब जनता से। इसका क्लासिक एग्जांपल हम देखते हैं आजकल के टाइम में कोविड केयर। कोविड के बारे में सरकार ने एक नियम बनाया लेकिन कोई भी उसको फॉलो नहीं करता है, अधिकतर लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से एक लॉकडाउन, दो लॉकडाउन और आगे कितना लॉकडाउन होगा भगवान मालिक है। लेकिन प्रभु श्री राम ने इस सामर्थ्य को कैसे अपने लीला के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया है इसका उदाहरण हम देखते हैं और इसी की वजह से हम ये देखेंगे कि प्रभु राम के राज्य को राम राज्य बोला गया, प्रभु राम के राज्य को ये बोला गया कि ये राम राज्य है और इससे अच्छा राज्य हो नहीं सकता है कोई भी। ये हमें कहां पे इस पर्टिकुलर गुण की चर्चा श्रीमद् भागवतम में 9वें स्कंध में 10वें अध्याय में श्लोक संख्या 53 अर्थात 9:10:53 में इसकी चर्चा मिलती है। क्या बोला जा रहा है? नाधि व्याधि जरा गिरा ग्लानी दुख शोक भय कलमह मृत्युश्चानि क्षतम क्षताम नाशी रामे राज्ञे अधोक्षजे 9:10:53। यहां पे क्या बोल रहे हैं कि रामे राज्य अधोक्षजे, अर्थात राम राज्य में क्या होता था जिसकी वजह से उस राज्य को राम राज्य बोला गया। नाधी अर्थात कोई आधी नहीं थी। आधी किसको बोलते हैं? तीन जो गुणों की वजह से जो दिक्कतें आती हैं, तीन भौतिक ताप कौन कौन से हैं? आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। आध्यात्मिक ताप किसको बोलते हैं कि जो खुद के शरीर से उत्पन्न होता है, जैसे भूख प्यास किसी रोग के वजह से कोई दिक्कत, ये आध्यात्मिक ताप होता है, उसकी वजह से कष्ट होता है। आधिभौतिक मतलब जो दूसरों के द्वारा दिया गया कष्ट है, अर्थात कोई जो दूसरा जीव है, जैसे कुत्ता है किसी को काट लिया या फिर सांप ने किसी को काट लिया या फिर शेर किसी को खा गया,
तो ये जो दूसरे जीव है जब कष्ट देते हैं तो आदि भौतिक और आदि दैविक, तो जैसे हमको पता है कि कभी यश तूफान आ गया, कभी नो तूफान हो गया कभी बिल्डिंग नीचे आ गई, कभी कोई प्रलय हो गया, तो ये जो आदि जो देवताओं के द्वारा जो कष्ट है उसको आदि दैविक कष्ट बोलते हैं। और श्रीमद् भागवतम बताती नादि, तो ये तीनों ताप जो है वो नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि राम राज्य में प्रभु राम ने इतने अच्छी तरह से राज्य का अपना संचालन किया था कि नेचर जो प्रकृति है वो प्रचुर मात्रा में अपने संसाधन को प्रस्तुत कर रही थी राज्य में जो रहते थे उन सब जीवों के लिए। एनफ अमाउंट ऑफ फूड, काफी मात्रा में खाने को अवेलेबल था, औषधियां अवेलेबल थी, शुद्ध वायु था, शुद्ध जल था, तो नेचर ने प्रकृति ने सब कुछ शुद्धता से और सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराया हुआ था, जिसकी वजह से कोई आध्यात्मिक आदि भौतिक या आदि दैविक कोई कष्ट नहीं था। अब चूंकि प्रकृति ने सब कुछ उपलब्ध कराया था इसलिए कोई व्याधि मतलब कोई रोग नहीं था, और जब कोई रोग नहीं था तो क्या होगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, क्योंकि सभी को स्वादिष्ट और सभी विटामिन परिपूर्ण खाद्य पदार्थ मिल रहे थे। आजकल आपको आज सभी को पता है कि कोरोना के टाइम पे ये बोला गया कि भाई विटामिन डी का सप्लीमेंट लीजिए, विटामिन बी का सप्लीमेंट लीजिए, जिंक का सप्लीमेंट लीजिए, ताकि आप कोरोना से बचे रहे, आपकी इम्यूनिटी ठीक हो। अर्थात हमारे पास विटामिन डी जो हमको सूर्य से अवेलेबल है वो भी हमारे शरीर में कुछ इनफ मात्रा में नहीं है। आज हमें जो खाने को मिल रहा है उसके अंदर में पौष्टिक तत्व पूर्ण रूप से नहीं है, जिसकी वजह से हमें सप्लीमेंट पे निर्भर करना पड़ता है कि हम अपने इम्यूनिटी को बढ़ाए, और इसी की वजह से हम रोग से ग्रसित है और इसी के वजह से बुढ़ापे से भी ग्रसित है। और एक जगह श्री प्रभुपाद जी अपने एक तात्पर्य में बताते हैं कि ये ऐसा धीरे धीरे जब बढ़ते जाएगा, कली का प्रभाव बढ़ते जाएगा और प्रकृति का हम विदोहन करने से पीछे नहीं हटेंगे, तो हमारे फ्यूचर जेनरेशन को सिर्फ नट और बोल्ट खाना पड़ेगा, क्योंकि खाद्य पदार्थ कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा, तो जरा भी नहीं थी। अब जब बुढ़ापा नहीं था तो कोई ग्लानि नहीं थी, और जब कोई ग्लानि नहीं थी तो किसी को कोई दुख नहीं था, और जब किसी को कोई दुख नहीं था तो कोई दूसरे एक दूसरे के प्रति शोक का कोई सवाल ही नहीं होता है, और जब जरा नहीं थी, व्याधि नहीं थी, तो भय होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं तो बुढ़ा होऊंगा ही नहीं, हमें तो कोई शारीरिक कष्ट होगा नहीं, तो इसलिए कोई भय नहीं था। क्लमा अर्थात कोई लोग परिश्रम करते थे खेती में, लोग परिश्रम करते थे वाणिज्य में, लेकिन कोई थकान किसी को नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि सब लोग बिल्कुल फिजिकली फिट थे। और सबसे अच्छी बात क्या थी, मृत्यु हो, मृत्यु क्या है, मृत्यु भी नहीं थी, अर्थात लोगों को स्वेच्छा से मृत्यु को आलिंगन करने का वरदान प्राप्त था, मृत्यु भी किसी को ऐसे हरती नहीं थी, मृत्यु जब कोई चाहता था तभी उसकी मृत्यु होती थी। इस कंडीशन में हमें पता है कि किसी को कोई भय नहीं, भय होने का कोई संभावना ही नहीं था, और यह संभव कैसे था, तो यह हमें रामायण की लीला से पता चलता है कि प्रभु श्री राम छद्म वेश में
अपने राज्य में जाकर देखते थे कि सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, और जहां पे कुछ भी यदि गड़बड़ लगता था तो वह उसको ठीक करते थे, इमीडिएटली ठीक करते थे। इसीलिए प्रभु श्री राम के राज्य को बोला गया राम राज्य। और चूंकि आज हम लोग भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर नहीं है, इसलिए हम अपने भौतिक दिमाग से भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित राम राज्य को यदि चाहे चलाने के लिए, तो यह संभव ही नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस श्लोक का जो सबसे अंतिम वाला गुण जो वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछा था, प्रियदर्शिना। प्रियदर्शिना का मतलब होता है कि जिसको दर्शन करने से आनंद आए, प्रियदर्शिना। अब प्रियदर्शन का हम लोग का एक नॉर्मल भौतिक जगत में क्या मतलब है, हम ये सोचते हैं कि जो देखने में बहुत अच्छा है, जिसका शरीर बहुत अच्छा है, उसको हमें लगता है कि वो प्रियदर्शिना है। जो आजकल देखे ना, कितने सारे हीरो, कितनी सारी हीरोइंस देखने में कितने अच्छे लगते हैं, और हमें लगता है कि ये कितने प्रियदर्शन है, कितने अच्छे हैं। लेकिन जरा सा सोचिए कि यही जो आज हमें अपने सामने प्रस्तुत कर रहे हैं प्रियदर्शन के रूप में, आपके साथ में, मेरे साथ में आकर यदि गलत व्यवहार करे, तो हमें क्या वही इंसान प्रियदर्शन लगेगा, या वो हमको लगेगा कि वो देखने में अच्छा है? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो प्रियदर्शन का अर्थ ये नहीं होता है कि हम शरीर से कितने अच्छे हैं देखने में। प्रियदर्शन का अर्थ होता है कि हम शरीर के अलावा अपने हृदय से कितने अच्छे हैं। हमें सबको पता है कि किसी का जो चेहरा है ना, वो मन की परिस्थिति को बताता है कि मन में क्या चल रहा है, उसका इमेज जो है, उसका प्रतिबिंब जो है, इस चेहरे पे आता है। हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद इस किस उम्र में उन्होंने इस मिशन को आरंभ किया, गुरुदेव किस उम्र में उन्होंने इस मिशन को आरंभ किया, और अंत समय तक जब तक उन्होंने अपनी लीला को समाप्त किया, उस समय तक भी वो देखने में कितने अट्रैक्टिव, कितने ब्यूटीफुल, ये हमारे सामने एक ज्वलंत उदाहरण है। महाराज हसन बोलते थे कि ये जो तीन गुण है, इन तीन गुणों के प्रभाव में आकर हम लोग हंसना भूल गए हैं। और आजकल ये जो हंसी है ना, एक एक बहुत बड़ा एक ऑस्टिविटी, मतलब बहुत बड़ा तप बन गया है। हम लोग एक प्लास्टिक स्माइल करते हैं, एक जो हृदय से, जो हमने देखा है महाराज को हंसते हुए कि अपने हृदय से, वो आजकल मिसिंग है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग तीनों तापों के वजह से बिल्कुल कंटामिनेटेड, दूषित हो गए। और महाराज मजाक में बोलते थे कि यार एक बात बताओ, ये क्या तुम्हारे सामने कोई गाय आ रहा है क्या, या कुत्ता आ रहा है क्या, ये इंसान ही आ रहा है। और जब इंसान आ रहा है आपके सामने, तो क्यों एक अपना एक छोटा सा स्माइल नहीं करके और दो अच्छे शब्द क्यों नहीं बोलते हैं? और हम ये तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम तीनों तापों के प्रभाव में, तीन गुणों के प्रभाव में हमारा मन जो है विचलित होता रहेगा, तब तक हम ये कर नहीं सकते हैं। और इसीलिए ये हम प्लीजिंग जो समझते हैं कि प्लीजिंग इज ओनली विद द बॉडी, या कि ये केवल केवल शरीर से है, वैसा शरीर से नहीं है। प्लीजिंग इज फ्रॉम द हार्ट, कि उसका बिहेवियर कैसा है। प्रभु श्री राम के यदि लीला में हम देखते हैं, तो प्रभु राम ने अपने सारे लीलाओं में सिर्फ यही दिखाया कि किस प्रकार से उन्होंने
सभी जीवों के रक्षार्थ सारे अपने कार्य को किए। इसलिए उस डिटेल में नहीं जाकर हम ये भी देखते हैं कि प्रभु श्री राम के रूप के बारे में सपूर्णखा ने क्या बोला। नाउ ये सपूर्णखा का बोलना प्रभु श्री राम के रूप के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सपूर्णखा जो है उसका नाक काट लिया गया था, तो उसको तो सपूर्णखा को बैर होना चाहिए था प्रभु श्री राम के साथ में। लेकिन सपूर्णखा को बैर होने के बावजूद भी जब वो अपने भाई कर और दूषण के पास में आई तो उन्होंने क्या बोला कि प्रभु राम जो है बिल्कुल यंग है और सुंदरता से परिपूर्ण है, बहुत ही बलशाली है, उनकी दो आंखें जो है वो कमल जैसी हैं। प्रभु श्री राम छाल पहने हुए है और कंदमूल खाते हैं, और सिर्फ यही नहीं वे ऐसे हैं कि वो जितने भी जीव जंतु हैं सबके रक्षार्थ वो यहां पर जंगल में आए हुए हैं। सपूर्णखा को प्रभु राम की प्रेजेंट जो 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 क्रियाकलाप है वो इतना प्लीजिंग लगा, इतना अच्छा लगा कि उन्होंने प्रभु राम के गुणों के बारे में अपने भाई को बताया जो कि जिसकी नाक कट गई थी। हम लोग अपने मंदिर में देखते हैं इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं वहां पर जो हमारे डीटीज हैं राधा नील माधव सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी, इन सब डीटी का हम डेली दर्शन करते हैं और देखते हैं कि कितने अच्छे लगते हैं, कितना बढ़िया उनका श्रृंगार किया जाता है प्रिय दर्शन। और हमें कभी ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये डीटीज ये जो भगवान है ये इतने सुंदर लग रहे हैं क्योंकि इनका श्रृंगार बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि श्रृंगार की वजह से भगवान की सुंदरता में कोई निखार नहीं है। भगवान इतने सुंदर स्वयं है, इतने प्रिय दर्शन स्वयं है कि उनकी सुंदरता के वजह से उस श्रृंगार की सुंदरता बढ़ गई। तो इसी के साथ में हम ये देखते हैं कि प्रिय दर्शन का असली अर्थ होता है कि किस तरह से हम अपने शरीर को ही अच्छा बनाने के लिए नहीं बल्कि अपने आत्मा के शुद्धिकरण के लिए हम कार्य करें, जैसा कि प्रभु श्री राम के चरित्र से हमारे सामने आता है। प्रभु जी समय हो गया है, इसकी वजह से आज अपने सत्र को यहीं पे विराम देने के लिए आपसे परमिशन चाहते हैं, और मेरे से यदि कोई टूटी हुई हो तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ। और इसके साथ में कोई और टीका टिप्पणी करना चाहते हैं और इसमें ऐड करना चाहते हैं इन गुणों के विषय पे जो आज हम लोगों ने चर्चा किया, सर्वभूत भूतेषु विद्वान समर्थ और प्रिय दर्शन, तो प्लीज आप लोग अपने विचारों को सामने रखें। हरे कृष्णा। सबसे पहले हम श्री महाविष्णु गोस्वामी महाराज की दिव्य समाधि के दर्शन करते हैं, और अब दर्शन करने के बाद किसी का कोई प्रश्न या कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं। जय श्री महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। अभी मैं देख रहा हूँ कि आज हमारे मनोहर प्रभु जी भी हैं, श्यामचरण प्रभु जी भी हैं, सर्वेश्वर प्रभु जी भी हैं, सद्धावान दास प्रभु जी भी हैं, तो कोई टीका टिप्पणी करना, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई टीका टिप्पणी करे और हम लोगों का थोड़ा ज्ञान वर्धन करे।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरी हरी बोल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मतलब भगवान श्री राम के बारे में कोई टीका टिप्पणी क्या की जा सकती है भला, और आपने इतने विस्तार से भगवान के गुणों का वर्णन किया है और करते चले आ रहे हैं। वास्तव में यदि किसी को अपने जीवन में किसी के को उदाहरण लेकर के चलना है सांसारिक जीवन को देखते हुए, तो भगवान श्री राम का वास्तव में जीवन ही एक ऐसा उज्जवल जीवन है जिससे कि हम अपने समाज में अपने ऊपर उसका अवधारणा करके निश्चित रूप से हम अपने आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति दोनों अच्छे तरह से कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह अवतार इसीलिए हुआ है जिससे कि मानव समाज का कल्याण हो सके और उन सबको इसके माध्यम से अपना एक सन्मार्ग चुनने का और उस पर चलने का सुअवसर प्राप्त हो सके। जी, तो आपने भगवान श्री राम के गुणों का बहुत ही सुंदर विवेचन किया और श्री रामायण के माध्यम से जो 1.13 की आपने विवेचना की और करते चले आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर है प्रभु जी। इसमें कोई टीका टिप्पणी क्या की जाए, पूरा रामचरित्र जो है वो अपने में बहुत ही अद्भुत चरित्र है। भगवान की एक एक लीला, एक एक गुण हम लोगों के का मार्गदर्शक दर्शन करते चले आ रहे हैं और अनादिकाल तक चल करते ही रहेंगे। जी बिल्कुल। तो मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि सब कुछ तो सुस्पष्ट है। इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है जिसपे कि प्रश्न किया जाए या उसपे कुछ और कहा जाए। और रामलीला तो ऐसी है कि आप उसको कहते जाइए कहते जाइए कहते जाइए, उसमें तो कोई अंत है ही नहीं। मुख्य चीज यह है, सबसे बड़ी बात यह है जो आपने बताया कि हमको भगवान श्री राम के जीवन लीला से क्या सीख लेनी चाहिए और उस पर कैसे हमको अपना स्वयं का आचरण करना चाहिए, यह हमको सीखने की आवश्यकता है। उस पर हम कैसे चलें, इसका अभ्यास करने की आवश्यकता है, और वो अभ्यास हमको आचार्यों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से और इस तरह के जो श्रीमद् भागवत के क्लासेस चल रहे हैं उनके माध्यम से नित्य प्रति सुनने को समझने को मिल रहा है। तो इस अवसर का निश्चित रूप से हम सबको लाभ उठाना चाहिए और अपने जीवन को निश्चित रूप से भगवान श्री राम के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। प्रभु जी, इसमें मैं कुछ ऐड क्या कर सकता हूँ भला, आपने सब कुछ अच्छी तरह से बता दिया। आपको बहुत बहुत दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आप जो ये जैसे बताए ना कि प्रभु हरी कथा जो है अनंत है, और मैंने ये सोचा था कि आज एटलीस्ट 5 गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हुआ ऐसा कि बस करते करते ना वो पता नहीं चलता है। और फिर क्योंकि मतलब हृदय से ना एक जो संतुष्टि है ना प्रभु के गुण की चर्चा करने में, हृदय से जो संतुष्टि है वो मतलब ये शॉर्ट में होता नहीं है। फिर तो ऐसा कि नहीं अभी नहीं नहीं होती है प्रभु। वही तो, वही भक्ति का लक्षण भी है प्रभु, वही तो भक्ति का लक्षण भी है कि भगवान के गुणों में कभी तृप्ति नहीं मिल सकती है। कैसे मिलेगी, देखिए शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश और जाहि निरंतर गावे, जिनके गुणों की चर्चा वो लगातार अनादिकाल से करते हुए चले आ रहे हैं और आज तक नहीं कर पाए, तो हम क्षुद्र जीव भला भगवान के इन गुणों का क्या वर्णन कर सकते हैं। बिल्कुल। हम बस पहले है कि उसका थोड़ा बहुत आस्वादन कर सकें, उसको अपने जीवन में उतार सकें, उसका आनंद ले सकें और भगवान से प्रार्थना करते रहें कि प्रभु आप हम सबको आशीर्वाद दें जिससे कि आपके गुणों का हमारे जीवन में भी कुछ असर पड़े, उसका प्रभाव पड़े और हम भी एक अच्छे नागरिक बन सकें, अच्छे भक्त बन सकें। इसकी प्रेरणा भगवान श्री राम ही दे सकते हैं, राघवेंद्र सरकार ही दे सकते हैं, और दूसरा कौन देगा। जी बिल्कुल। तो ऐसी ऐसी कामना हम सबको हर समय करनी चाहिए और भगवान के शरणागत होकर के हम देखिए, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं। हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को इतना सुंदर मार्ग दिया है, इतना अच्छा प्रदर्शन किया है और अपने जीवन को
उन्होंने उसमें ढाल करके हम लोगों को बताया है कि कैसे भक्ति करना चाहिए। महाराज ने हम लोगों को सिखाया ही है कि कैसे जीना चाहिए और कैसे शरीर छोड़ना चाहिए, दोनों हम लोगों को उन्होंने अपने जीवन में उतार करके, उसका अभ्यास करके, उस पर उसका अनुसरण करके हम सबको सिखा के गए हैं। हम लोगों का कर्तव्य है कि यदि हम मानते हैं कि हाँ हमारे गुरु हैं कोई, हमने अपने जीवन में किसी गुरु का अनुसरण किया है या अपने जीवन में किसी को गुरु माना है, तो फिर उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए और उसी से हमारा कल्याण होगा। इसके अतिरिक्त इस कलयुग में कल्याण का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद भगवान श्री राम के इन पवित्र गुणों की चर्चा करने के लिए, जिससे कि हम सब वास्तव में बहुत आह्लाद प्राप्त होता है भगवान श्री राम के चरित्र को सुन करके, बहुत आनंद आता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा एक छोटा प्रश्न है, थोड़ा ज्यादा ही मेरा मटेरियल क्वेश्चन है थोड़ा। मेरा प्रश्न यह है कि हम तो हमारे भक्ति के मार्ग में जा ही रहे हैं सीधे तरीके से, लेकिन फिर भी दूसरे लोगों के द्वारा उसमें कुछ हर्डल्स पैदा होते हैं, किसी लोगों के ड्यूअल फेसेस होते हैं, हमारे सामने कुछ और दूसरों के सामने कुछ और। इस समय हमारी परीक्षा यह होती है कि वो तो ड्यूअल फेस हमें दिखा रहा है, लेकिन हम जैसे भगवद गीता में सबको समान रखने की बात हुई है, स्थित प्रज्ञ की पोजिशन है, हम उसके साथ सही तरीके से ही व्यवहार करते हैं। तो ऐसा विचार आता है कि भविष्य में भी वो इसे कुछ हम उस पर व्यवहार करते जाएंगे और वो हमारा गलत फायदा उठाते जाएगा, तो क्या उस समय हमें उससे व्यवहार बदल के थोड़ा स्टॉप करना चाहिए, या हमें उसी तरह से प्रेम से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए जैसे हम करते आ रहे हैं? प्रभु जी, ये जो प्रश्न है ना, बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है। दिक्कत सिर्फ इतनी आती है प्रभु जी कि हम जैसे इसके पहले भी कई वक्ताओं ने इसके बारे में एक मतलब डायरेक्टली इसी क्वेश्चन के बारे में या फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में जवाब दिया गया है। इशू ये है कि हम जैसे ही डिफ्रेंशिएट करना शुरू करते हैं कि मटेरियल और स्पिरिचुअल, जैसे ही हम अपना डिफ्रेंशिएशन करना शुरू करते हैं कि ये जीव अच्छा नहीं है, ये जीव खराब है, और उसके बाद में हम जब अपनी धारणा शुरू कर देते हैं, तब मामला गड़बड़ शुरू हो जाता है। जैसे गुरु महाराज बताते हैं कि हमारे अंदर में ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि हम ये डिसाइड कर सके कि ये जो है डुअल बिहेवियर दिखा रहा है या फिर सही बिहेवियर दिखा रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने बिहेवियर को देखें, हम अपने बिहेवियर को देख के सम दृष्टि रखें, और यदि ऐसा कोई सिचुएशन हो रहा है, मैं जो करता हूं मैं जो फॉलो करने की कोशिश करता हूं, मैं जस्ट वो शेयर कर रहा हूं कि कोई, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हम अपने आसपास में देखते हैं कि कई लोग जो है ना एक अजीब सा ड्यूअल बिहेवियर करते हैं, और वो हमारे साथ में भी ड्यूअल बिहेवियर करते हैं, और उस स्थिति में मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये अपने आप से भी मैं कभी कोई पूछता हूँ कि मेरा कैसा होना चाहिए ना, मुझे पता है कि ये आदमी शायद गलत है, लेकिन फिर मैं जब जगन्नाथ बाबा के सामने हाथ जोड़ के जगन्नाथ बाबा से पूछता हूँ कि आप मेरा मार्गदर्शन करिए, तो मुझे यही समझ आता है प्रभु कि मेरे अंदर में ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं ये डिसाइड कर सकूं कि वो जो है जो व्यवहार कर रहा है वो सही है या गलत है। मैं ये समझता हूं कि इनकेस यदि वो कोई व्यवहार मेरे लिए गलत कर रहा है तो वो भगवान की कृपा से मेरे कर्म बंधन को काट रहा है, इसमें भी भगवत कृपा है। और जैसे ही हम इसको लेते हैं कि ये भगवत कृपा है, तब हम उसके व्यवहार से हमारे अंदर मन में कोई आक्रोश नहीं होता है, और तभी हम जाकर समभाव से अपना कार्य कर सकते हैं और भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि जगन्नाथ जी आप देखिए क्या उचित है क्या उचित नहीं है। पर ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, पता है कि हमारे अंदर के तीन जो है सूक्ष्म इंद्रियां हैं, हम जिसको सूक्ष्म इंद्रियां बोलते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। अब देखिए कि इसको सूक्ष्म क्यों बोलते हैं, सूक्ष्म हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आत्मा के साथ में ये जुड़ा रहता है, तो ये जब शरीर छूटता है तो सारे भौतिक अवयव तो है वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार जो है वो आत्मा के साथ में जाता है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये जो मन है,
ये पूरे जितने भी इंद्रियां हैं उसका वो मालिक है और सारी इंद्रियों को वो कंट्रोल करता है। जब हम इस तरह के किसी एक व्यवहार के अंदर में देखते हैं तो हमारा मन जो है तुरंत एक्टिव हो जाता है, और मन जैसे एक्टिव हो जाता है वो बोलता है कि नहीं, ये इसने व्यवहार नहीं ठीक किया है तो हम भी अब शायद इसके बारे में कुछ रिवेंज लेने की चेष्टा करें, या फिर कुछ उसको गलत ढंग से हम लेने की कोशिश करें, या भी हम अपना व्यवहार बदलें। और जैसे ही ऐसा सोचते हैं वो हमारी सारी इंद्रियों को उस डायरेक्शन में धक्का दे देता है और सारी इंद्रियां उसमें काम करने लगती है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कभी भी ये नहीं बोला कि ददामी मन, भगवान ने बोला ददामी बुद्धि योगम तम। भगवान बोलते हैं कि बुद्धि जो है वो देना जो है वो मेरे हाथ में है, और मन को कंट्रोल करना वो उसकी आजादी मैंने तुमको दे दी है। तो यही समझने का पूरा खेल यही है कि मन की आजादी मैंने दे दी है तुमको इस जीव को, और बुद्धि देने का कार्य जो है वो वो जो ड्यूटी है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इसीलिए भगवान बोलते हैं ददामि बुद्धि योगम तम। अर्थात यदि हम किसी भी सिचुएशन में जहां पे भी एक डुअल कंडीशन अराइज हो रहा है हम भगवान को सरेंडर करते हैं और भगवान से याचना करते हैं, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, कृपया आप हमें बुद्धि दीजिए, जैसा कि आप हमको बोलते हैं कि आप हमें बुद्धि देंगे तो आप हमें बुद्धि दीजिए, और जब आप हमें बुद्धि देंगे उस बुद्धि से मैं अपने मन को फिर कंट्रोल करूंगा, और कंट्रोल करके अपनी इंद्रियों को संयम करूंगा, और जब ऐसा करूंगा तो जो भी कार्य होगा वो कृष्ण को सेंटर में रख के होगा और वो जो भी होगा वो सही होगा। इसलिए इस कोई भी सिचुएशन का ना, क्योंकि हर परिस्थिति अलग अलग होती है और हर परिस्थिति में उसका रिएक्शन अलग अलग होता है, उसका एक्टिविटी अलग अलग होता है। एक सिचुएशन में भगवान ने अर्जुन को बोला युद्ध करो और अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, पहले नहीं तैयार थे फिर तैयार हुए, और दूसरे सिचुएशन में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मारो अस्वस्थों को, मारो मारो मारो, लेकिन अर्जुन ने नहीं मारा। सी द ड्यूअलिटी, सी द डिफरेंस। एक कंडीशन में भगवान ने दोनों जगह एक ही बात बोला, किल द एनिमीज, और अर्जुन ने एक जगह उसको फॉलो किया, दूसरी जगह अश्वत्थामा को मारने के लिए बोल रहे हैं किल हिम, अर्जुन ने फॉलो नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब अश्वत्थामा को मारने के लिए भगवान ने बोला उस समय अर्जुन जो है अपने रथ से उतर के भगवान को सरेंडर किया, भगवान को जल लेके याचना, मतलब परिदक्षिणा की, और याचना किया कि भगवान मेरे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है, इसलिए आप हमें बुद्धि दीजिए, और जब आप बुद्धि देंगे और आपकी बुद्धि से मैं अपने मन को नियंत्रित करके जब काम करूंगा वो बिल्कुल सही काम होगा। तो प्रभु जी, मेरा एक्सपीरियंस यही है कि कोई भी ऐसा जो टफ सिचुएशन आता है, जस्ट गो एंड सरेंडर टू कृष्ण, जस्ट गो एंड सरेंडर टू गुरु महाराज, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि ही शुड गिव यू द ग्रेस, और जब आप रिक्वेस्ट करेंगे ट्रस्ट मी वो आपको बुद्धि देंगे, और उस बुद्धि से जब आप काम करेंगे तो जो भी काम होगा वो बिल्कुल ही उचित होगा। भाई प्रोजी हरे कृष्णा, शायद मैं आपके प्रश्न का उत्तर अपने सामर्थ्य बस मैंने देने की कोशिश की। हरे कृष्णा प्रोजी जी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे श्री रामचंद्र के बारे में आप बताए, तो कलयुग में द्वापर एंड त्रेता में या सतयुग में तो समय का डिफरेंशिएशन है, तो उस समय के सिचुएशन के अनुसार वो अपनी समय के अनुसार अपनी सब चीज हैंडल के, तो हम इस समय के करंट में हम कैसे हैंडल करेंगे अपनी लाइफ बैलेंस को? जी प्रवीण, देखिए आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अलग अलग युग में अलग अलग ढंग से सिचुएशंस थे और अलग अलग सिचुएशन को अलग अलग ढंग से उसको संभाला गया। लेकिन प्रिय आप एक चीज देखिए कि चाहे किसी भी युग को ले लीजिए,
दैत्य और देवता हर युग में है, दानव हर युग में है, ईर्ष्यालु हर युग में है। हमने इंद्र की लीला में देखा है कि वो कितने ईर्ष्यालु होकर किस तरह का कांड करते रहते थे। तो प्रभु जी जो अभी हम कलयुग में देख रहे हैं हर युग में वही था, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। और परिवर्तन क्या है, अंतर सिर्फ इतना है कि किसी एक युग में जो घटना घटती थी उस घटना को सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर अलग अलग था, तो युग के अनुसार से प्रोसीजर अलग अलग था, लेकिन घटनाएं वही थी। और इस युग में कलयुग में भी घटनाएं वही हैं, घटनाओं में कोई परिवर्तन नहीं है। हो सकता है नंबर्स में ज्यादा हो, वॉल्यूम में ज्यादा हो, क्वांटिटी में ज्यादा हो, लेकिन सिचुएशन वही है। आज भी लोग ईर्ष्यालु हैं, इंद्र ने भी ईर्ष्या अपना दिखाया था, आज भी लोग एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखते हैं, जैसे कि कंस, रावण और हिरण्यकश्यप ने दिखाया था। हिरण्यकश्यप ने यह दिखाया था कि वो इतने ईर्ष्यालु हो गए थे कि वो अपने पुत्र का वध करने के लिए भी तैयार थे। हम आजकल के भी जिंदगी में देखते हैं कि पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, कोई किसी को, मतलब अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ को पूरा करने के लिए कोई किसी को ध्यान नहीं देता है। तो सिचुएशंस वही है प्रभु जी। हो सकता था उस समय क्वांटिटी में एक था, अभी क्वांटिटी में हजारों है। अंतर सिर्फ और सिर्फ ये है कि प्रोसीजर, तो अलग अलग युग में अलग अलग प्रोसीजर थे। कलयुग में जो प्रोसीजर स्टैब्लिश किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवल, कलय नास्तो नास्तो न गति अन्यथा। अर्थात कलयुग में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि आप भगवान का नाम लीजिए, मतलब आप नहीं, हम लोग सभी भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, इसके अलावा और कोई गति नहीं है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही हम भगवान का नाम लेते हैं और भगवान को शरणागति करते हैं, तो फिर से वही श्लोक आता है, ददामि बुद्धि युगत सततम सततम युक्ताम कीर्तनम। तो जब सतत हम कीर्तन करेंगे, भगवान का सतत नाम लेंगे और भगवान को सरेंडर करेंगे, तो भगवान हमें बुद्धि प्रदान करेंगे। ददामि बुद्धि, भगवान गारंटी लेते हैं कि भगवान बुद्धि प्रदान करेंगे। और जब भगवान बुद्धि प्रदान करेंगे, उस बुद्धि से किसी भी सिचुएशन में आप काम करेंगे तो बिल्कुल सही होगा, एंड यू कैन हैंडल एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। कृष्णा स्मर्सी, गुरु महाराज स्मर्सी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। शायद ये उत्तर आपके लिए, आपके शायद आई वॉज एबल टू गिव यू द आंसर प्रभु जी। हरे कृष्णा, किसी और का कोई प्रश्न या कमेंट है? तो प्रभु जी नाउ अब हम लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से श्याम सुंदर प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड राम, भगवान श्री राम का महिमा गान, इस सुंदर विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया और उसके बाद में इतनी सुंदर प्रश्न उत्तर हुआ। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील गुरुदेव की जय, श्रील प्रभा की, समस्त भक्त बिंद की, नितय गौ प्रेम आनंद हरि हरि बोल। आप सभी भक्त का बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। हरे कृष्ण।